नेशनल हाईवे में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण के दौरान निर्माणी एजेंसी द्वारा पावर हाउस चौक के नीचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओवरब्रिज को जोड़ती सीढ़ी को हटा दिया गया था, जिसे अब तक नहीं जोड़ा जा सका है, जिससे ओवरब्रिज के नीचे पावर हाउस आने वाले पैदल लोगों को बेहद परेशान होना पड़ रहा है। वही पावर हाउस चौक के समीप सीढ़ी हटाने और दुकानों को अन्यंत्र शिफ्ट करने से रास्ता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे दोपहिया चालकों को परेशान होना पड़ रहा है। वही जर्जर रास्ते से लगा एक अनुपयोगी ब्रेकर चौपहिया चालकों की परेशानियों का कारण बना हुआ है। दोनों की चीजों को निगम और निर्माणी एजेंसी द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओवरब्रिज के नीचे, इस ओवरब्रिज के जो अभी वर्तमान में जिस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान इस स्थान पर पावर हाउस चौक के नीचे 3 गुमटियां रहा करती थी। सामने पीछे एक इनके मोची की दुकान संचालित थी, 7 बजे खुल गया। निर्माण कार्य के दौरान संबंधित एजेंसियों द्वारा निगम प्रशासन के सहयोग से उन गुमटियों को अन्यंतर शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हम आपको बताना महत्वपूर्ण बात इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, सभी भी यहाँ पे एक सीढ़ी लगाई गई थी कि ताकि ओवरब्रिज से पैदल आवाजाही करते लोगों के लिए जो सुविधाजनक बनी हुई थी, इस सीढ़ी का उपयोग करते हुए लोग ब्रिज से आ रहे लोग नीचे उतरते थे और अपने गंतव्य की ओर रवाना होते थे। इस सीढ़ी को भी हटा दिया गया। इस सीढ़ी के हटने के बाद से लोगों को बेहद परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो पूर्व में जो जिनकी आवाजाही बनी रहती थी उन्हें ओवरब्रिज से उतरने के लिए ओवरब्रिज जो शुरू होने के हिसाब से पावर हाउस से आगे जाना पड़ता है, जिससे उन्हें पैदल आने में काफ़ी वक्त उनका जाया होता है। इस चीज़ को भी नगर निगम प्रशासन और संबंधित फ्लाईओवर एजेंसी द्वारा नज़रअंदाज कर दिया। जी जी, आपको यह चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कभी कल से यहाँ पे एक वो बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेदर्जी और ब्रेकर का निर्माण किया गया है। ब्रेकर में जिससे जितनी भी गाड़ियाँ निकलती हैं, जिस ब्रेकर से दोपहिया वाहन हो चाहे छोटे बड़े 4 पहिया वाहन हो, सभी को परेशान होना पड़ता है, क्योंकि इस ब्रेकर की वजह से साइलेंसर लगने का गाड़ियों में भय बना रहता है और आए दिन छूट छूट घटनाएँ भी होती हैं। लोग दोपहिया चालक निकलते हैं तो भी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। ना तो नगर निगम प्रशासन ना ही संबंधित एजेंसी द्वारा, हालांकि इस स्थान को खाली जरूर करवा दिया गया आवागमन को देखते हुए, आवागमन के दृष्टिगत, लेकिन इसे समतल करने का किसी तरह का प्रयास नहीं किया गया। आज भी स्थिति ऐसी बनी हुई है, पूरा रास्ता जो है उबड़ खाबड़ हो चुका है, लोगों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी जरूर मौजूद रहते हैं, जो केवल अपनी चलानी कार्रवाई में व्यस्त रहते हैं, लोगों को आने जाने से परेशानियों से उन्हें किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है। तो नगर निगम प्रशासन और फ्लाईओवर एजेंसी से इस ओर ध्यान देते हुए खतरनाक बन चुका है ब्रेकर, इसे समतल किया जाने की जरूरत है, ताकि दुपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को आवाजाही में किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही इस उबड़ खाबड़ पूरी आप देख सकते हैं, पूरी गिट्टियाँ इस सड़क से निकल चुकी है, गिट्टियों की वजह से लोगों को दोपहिया वाहन पंचर होते हैं, उन्हें परेशानियाँ होती हैं और शाम के समय स्थिति और भी भयावह हो जाती है। तमाम अव्यवस्थाओं को देखते हुए इसमें तत्काल सुधार कार्य कराए जाने की जरूरत है, ताकि आवाजाही करते हुए लोगों को राहत मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।